नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेदांत यूट्यूब चैनल से मैं डॉक्टर मनोज विप्लव आप सभी दर्शकों मित्रगणों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया शीघ्र ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर अवश्य क्लिक कीजिए, जिससे हमारे आगामी वीडियो आप तक अतिशीघ्र पहुँच सके। इस वीडियो का पूरा लाभ लेने के लिए यह वीडियो शुरू से अंत तक पूरा देखिए। हमारी इस आज की वीडियो का विषय है लौंग से होने वाले फायदे। हमारी किचन में ऐसे तो कई मसाले हैं जिनके प्रयोग से हम स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। हल्दी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। एंटीसेप्टिक गुण के कारण इसे घाव भरने, ठीक करने और सुंदरता पाने आदि के लिए प्रयोग में लाया जाता है। लेकिन हल्दी के अलावा भी अन्य कई मसाले हैं जिनमें रोगों से लड़ने की अत्यधिक शक्ति है और जो हमें स्वास्थ्य लाभ में हमेशा मदद करते हैं। इनमें से एक है लौंग। लौंग मसाले के तौर पर घरों में प्रयोग किया जाता है। लौंग का इस्तेमाल औषधि के तौर पर भी किया जाता है। लौंग में गुणकारी तत्व मौजूद हैं जो बीमारी दूर करते हैं। लौंग में यूजेनॉल होता है जो साइनस व दांत दर्द जैसी स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों को ठीक करने में हमारी मदद करता है। लौंग की तासीर भी गर्म होती है, इसलिए सर्दी के मौसम में यह बहुत लाभप्रद माना जाता है। अगर किसी को रोजाना पेट दर्द रहता है, पाचन शक्ति क्षीण हो गई है, कमजोर हो गई है, तो रात को सोने से पहले गुनगुने जल के साथ, गुनगुने पानी के साथ दो लौंग निगल लेनी चाहिए या फिर खाना खाने के बाद एक लौंग चबा चबा कर खानी चाहिए। कुछ दिन ऐसा करने से निश्चित ही पेट दर्द की परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी। पेट दर्द के अलावा सिर दर्द ठीक करने में भी लौंग बहुत सहायक होती है। इसके लिए जब भी सर में दर्द हो तो पेन किलर लेने की जगह एक या दो लौंग गुनगुने जल के साथ ग्रहण करनी चाहिए। कुछ देर में आराम अवश्य मिल जाएगा। सबसे अच्छी बात है कि लौंग अन्य पेन किलर की तरह कोई साइड इफेक्ट नहीं करती। मौसम बदलते ही या फिर बाहर से कुछ गलत खाने से गले में खराश पैदा हो जाती है, एक लौंग चबा लें या जीभ पर रखकर चूसते रहें। इससे गले की खराश और दर्द दोनों में बहुत ही आराम मिलता है। पुराने और नए दोनों प्रकार के नज़लों में लौंग का प्रयोग अति उत्तम बताया गया है। नाक में जलन से राहत दिलाने में लौंग बहुत फायदेमंद है। अगर लौंग को लंबे समय तक डाइट में शामिल किया जाए तो यह साइनस से काफ़ी हद तक छुटकारा दिला सकता है। अगर साबुत लौंग को सूंघकर भी इसका फायदा आप ले सकते हैं। गर्म पानी में रोजाना 3-4 चम्मच लौंग का तेल मिलाकर पीने से इन्फेक्शन नहीं होता और सांस लेना भी आसान हो जाता है। लौंग एक एंटीसेप्टिक है। यह अपच को ठीक करने के साथ साथ आपको उल्टी और मिचली से भी राहत दिलाता है। यह प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए बहुत गुणकारी है। प्रेगनेंसी की शुरुआती महीनों में ज़्यादातर महिलाओं को सुबह के वक्त उल्टी की शिकायत रहती है। ऐसे में उन्हें लौंग चूसने की सलाह दी जाती है और उत्तम फायदे मिलते हैं। लौंग के तेल में एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ होती है, इस वजह से लौंग का तेल कील मुहासों को भगाने में काफ़ी असरदार माना जाता है। साथ ही साथ लौंग का तेल इन मुहासों को आपके चेहरे पर फैलने से भी रोकता है। लौंग में शरीर की सफाई करने वाले तत्व भी पाए जाते हैं जो आपके मुहासों की जलन से राहत दिलाने में भी मदद करते हैं। आप चाहे तो लौंग का तेल का फेस पैक भी बना सकते हैं या फिर अपनी क्रीम में लौंग का तेल मिलाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लौंग आपकी इम्यूनिटी बढ़ाकर इन्फेक्शन और सर्दी जुकाम से आपकी रक्षा करता है। यह एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर है जो आपकी स्किन और मजबूत इम्यूनिटी सिस्टम के लिए बेहद जरूरी है। आयुर्वेद में डायबिटीज़, मधुमेह के इलाज के लिए लौंग का इस्तेमाल बताया गया है। यह ब्लड शुगर लेवल को कम करता है, कंट्रोल करता है। डायबिटीज़ के रोगियों में स्नायु दौर्बल्य संबंधित विकारों में लौंग बहुत फायदेमंद माना गया है। अब मैं बता रहा हूँ लौंग के कुछ साधारण प्रयोग जो अद्भुत उपचार में सहायक हैं। लौंग को मुंह में रखकर चूसने से खांसी खत्म होती है। जब तक मुंह में लौंग रहती है तब तक खांसी बंद रहती है। लौंग को मुंह में रखकर चूसने से मुंह और श्वास की बदबू दूर होती है। लौंग के तेल की कुछ बूंदें किसी स्वच्छ कपड़े के टुकड़े पर टपकाकर उस कपड़े को बार बार सूंघने से प्रतिशाय जुखाम की समस्या ठीक हो जाती है और साथ साथ नाक भी बंद नहीं रहती। अगर नाक बंद है तो खुल जाती है।
लौंग को पानी के साथ पीसकर 100 ग्राम पानी में मिलाकर छानकर मिश्री मिलाकर पीने से हृदय की जलन विकृति दूर हो जाती है, पेट की जलन भी बंद हो जाती है। वात विकार और जोड़ों के दर्द में भी लौंग का तेल मलने से पीड़ा में राहत मिलती है। लौंग को पानी के साथ पीसकर हल्के गर्म पानी में मिलाकर पीने से जी मचलना बंद हो जाता है, ज़्यादा प्यास लगना भी बंद हो जाती है। लौंग के तेल की एक बूंद बताशे पर डालकर खाने से हैजे की विकृति दूर होती है। लौंग को बकरी के दूध में पीसकर नेत्रों में काजल की तरह लगाने से रतौंधी रोग ठीक हो जाता है। लौंग और चिरायता दोनों बराबर मात्रा में पानी में पीसकर पिलाने से बुखार उतरने में काफ़ी मदद मिलती है। एक रत्ती लौंग को पीसकर मिश्री की चाशनी में मिलाकर खिलाने से गर्भवती महिलाओं की उल्टी बंद हो जाती है। तो ये थे लौंग संबंधी कुछ साधारण घरेलू प्रयोग व जानकारी। हमारा आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए। जय भारत, जय आयुर्वेद।